Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a particle of mass m moves along the internal smooth surface of a vertical cylinder of radius capital R. Find the force with which the particle acts on the cylinder wall if at the initial moment of time its velocity equals V0 and forms an angle alpha with the horizontal. तो बच्चों जैसा कि हमारे को सवाल दे रखा है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहा है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बाइक वाला है ना वो क्या कर रहा है वो इस वर्टिकल सिलेंडर के इंटरनल सरफेस पे हमेशा ट्रैवल कर रहा है तो हमेशा वो चिपक करके ट्रैवल कर रहा है इस वॉल के साथ तो काइंड ऑफ ऐसा ही मोशन इस पार्टिकल का भी है वो भी इस वर्टिकल सिलेंडर के वॉल से हमेशा चिपक करके ट्रैवल कर रहा है पर देखिए इस बार सवाल में एक मजेदार चीज दे रखी है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना वो वी नॉट है एंड इट फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल तो आइए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी भी वॉल से चिपक करके ही चल रहा है लेकिन वो अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को मेंटेन नहीं कर रहा है ना वो अपनी वर्टिकल है ना वर्टिकल जो हाइट है इसकी जो हाइट है उसको ये चेंज करने वाला है तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना इस समय आप इसका सर्कल इमेजिन कर सकते थे अब ये शिफ्ट होकर के थोड़ा और ऊपर हो जाएगा क्लियर है ये बात तो वही देखिए यहां पर वेलोसिटी वी नॉट और ये एंगल अल्फा दे रखा है ना तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर आप बना रहे हैं तो उस पर ये नहीं घूम रहा है ये अपने हॉरिजॉन्टल सर्कल को चेंज करेगा अब ये किसी और ऊपर वाले सर्कल का हिस्सा होने वाला है क्लियर है ये बात पर इस मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस मोमेंट पर हम लोग जस्ट कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है ये इस मोमेंट पर इस सर्कल का हिस्सा है अगले मोमेंट पर और ऊपर वाले सर्कल का हिस्सा होगा उसके अगले मोमेंट पर और ऊपर वाले सर्कल का हिस्सा होगा लेकिन इस मोमेंट पर तो हम लोग ये कह ही सकते हैं ना कि ये इस पर्टिकुलर सर्कल का हिस्सा है ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं तो देखिए बच्चों हम लोग अगर टॉप व्यू देखें है ना अगर हम लोग टॉप व्यू देखें यहां पर तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वी नॉट का कॉस अल्फा मतलब ये जो वी नॉट का कॉस अल्फा है ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी ठीक है अब आप देखिए कि इस समय इसका रेडियस जो है ना वो क्या है आर है रेडियस तो आर है हमेशा ही रहेगा ना लेकिन बस ये हॉरिजॉन्टल सर्कल शिफ्ट करता जाएगा ठीक है तो अब देखिए ऑब्वियस है कि जैसे बाइक वाला जो है वो इस वॉल को प्रेस कर रहा है जिसकी वजह से वॉल भी बाइक को प्रेस कर रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यहां पर ऐसा दिखा सकते हैं टूवर्ड्स दिस सेंटर तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक्चुअली क्या कर रहा है इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है तो हम लोग इसको किसके बराबर कर देंगे एम वी नॉट कॉस अल्फा एम वी स्क्वायर मतलब वी नॉट कॉस अल्फा का स्क्वायर अपॉन आर है ना तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर क्लियर है बात तो आई होप बच्चों कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय.